नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिस मैनिपुलेशन की, जिसके बारे में डॉक्टर मीनाक्षी सिसोदिया आपको बताएंगी कि घर पे ही आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। Teach you about the miss manipulation in tennis elbow. इसमें मैं क्या करना है, initially we will take the shoulder in full medial rotation, full elbow extension, and this should be in full flexion. A little sideways backward and downward thrust. अभी हम बात कर रहे हैं tennis elbow के बारे में। Tennis elbow के patient को usually pain elbows के बाहरी हिस्से पर होता है। अगर हम feel करते हैं तो इस हिस्से पर टेंडरनेस मिलेगी, टच करने पर पेशेंट को पेन होगा। उसके अलावा पेशेंट्स को कई बार यहाँ पर सोनेस होती है, कई बार पेशेंट फील करेगा यहाँ तक, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट इन एवरी ईच एंड एवरी पेशेंट। तो देर इज़ नॉट ऑथेंटिक थिंग कि यही पेन पैटर्न होगा। पेन पैटर्न कैन बी वेरी इन एनी ऑफ द पेशेंट। इनिशियली हम जब मैनिपुलेशन करते हैं उसके बाद उसको स्लिंग में भी डालते हैं पेशेंट को, और कई बार हम एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अभी राइट नाउ हम आपको मैनिपुलेशन बताएं। यूजुअली मिल्स मैनिपुलेशन जो आज हम आपको बताएंगे, ये टेनिस एल्बो के क्रॉनिक केसेस में की जाती है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे, शोल्डर शुड बी इन फुल मीडियल रोटेशन, एल्बो शुड फुली एक्सटेंडेड, दिस शुड बी फुली फ्लेक्स्ड, अ लिटिल स्टेप साइडवेज बैकवर्ड एंड जस्ट गिव very small amplitude thrust. 1, 2, 3. Done. दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको टेनिस एल्बो में मिल्स मैनिपुलेशन करने में मदद मिलेगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव भी हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।